नमः शिवाय, जय श्री रामचंद्र। आज मैं आपके कुछ प्रश्नों का जवाब दूंगा जो कि हमारे कुछ सुधी श्रोताओं ने, साधकों ने पूछे हैं। एक हमारे श्रोता हैं BL डोंगारे या डोंगरे, माफ़ी चाहूँगा अगर मैं गलत नाम पढ़ रहा हूँ। तो इन्होंने पूछा है, स्वर चलने में दिन या वार को महत्व दें या तिथि को? जैसे शनिवार को प्रातः सूर्य स्वर चलना चाहिए, किंतु उस दिन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा एकम तिथि है तो चंद्र स्वर चलना चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या करें? देखिए, ये प्रश्न पढ़ के ही ऐसे लगता है जैसे कि एक साधक का प्रश्न है, उस व्यक्ति का प्रश्न है, या तो उसने स्वर विज्ञान को, स्वर योग को जीवन में उतारा है या स्वर विज्ञान की साधना की है। आप पहले थोड़ा अंतर समझ लीजिए कि वार और तिथि में अंतर क्या है। वार एक छोटी इकाई है समय को नापने की, सोमवार, मंगलवार, शनिवार, रविवार, इस तरह से। और तिथि एक थोड़ी सी बड़ी इकाई है समय को नापने की, जैसे कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के रूप में हम तिथियों को हमने डिवाइड किया हुआ है। जब आप बहुत एक छोटी सी समय सीमा को नापते हैं, जब या मैं ये कहूँ कि आप बहुत ही आरंभिक स्थिति में हैं, तो आप अपनी बहुत ज़्यादा शक्ति इस बात में लगाते हैं कि किस दिन कौन से वार को कौन सा स्वर जागृत होना चाहिए, जो कि ठीक भी है। लेकिन जब आप अपनी थोड़ी सी साधना को थोड़ा और गहरा उतार देते हैं, थोड़ी शिखरों को और ऊंचाई पर छूना शुरू कर देते हैं, तो आप निश्चित रूप से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के दायरे में आ जाते हैं, और आना भी चाहिए। ये एक बहुत शुभ लक्षण है। मेरा फेवरेट वो एक स्टेज है जब मैं ये कई साधकों से सुनता हूँ, कई ध्यानी मुझसे ऐसा बताते हैं कि अब उनकी स्वतः ही जो है नाड़ी, जो उनका स्वर है, स्वतः ही कृष्ण और शुक्ल पक्ष के अनुसार चलने लग गया है। एक बहुत ही मुझे खुशी का अनुभव देती है ये बात, क्योंकि मैं थोड़ी सी ऊंचाई से देख सकता हूँ, जान सकता हूँ कि साधक उन्नति कर रहा है। दिनों से जैसे हम पहले मिनटों में बात करते हैं, है ना, अच्छा अभी 5 मिनट में आता हूँ, अभी आधे घंटे में आता हूँ, 30 मिनट में आता हूँ। अब किसी ने 2 दिन बोलना हो, हम 2 दिन बाद मिलेंगे, तो ऐसे नहीं बोलता ना कि 48 घंटे के बाद मिलूँगा, सीधा बोल देते हम कि 2 दिन बाद मिलेंगे। तो इस तरह से आप इस अंतर को समझने का प्रयास करें कि जब हम दिन जो है 7 दिन नाप सकते हैं, लेकिन कृष्ण शुक्ल पक्ष के माध्यम से हम 1 महीना नाप सकते हैं, है ना, ऐसे चंद्र और सूर्य। और दूसरा एक और मुख्य कारण ये भी है इसका कि हम कर क्या रहे हैं, हम स्वर साधना सूर्य और चंद्र के प्रभाव में ही कर रहे हैं ना, कि सूर्य का प्रभाव हमारे जीवन में कैसे हो, चंद्र का प्रभाव हमारे जीवन में कैसे हो, इसी की गणना के अनुसार ही तो पूरा जो स्वर विज्ञान की साधना है अंकित है। और अगर आप स्वतः ही इसके प्रभाव में आ जाते हैं साधना के बाद, तो ये एक बहुत शुभ लक्षण है। मैं आशा करता हूँ कि अब ये आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। और एक हमारे श्रोता है हर्षल जी, मैंने पहले भी आपको शायद बताया था उनके बारे में, मेरी उनसे बात भी हुई, व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया, और उन्होंने पूछा है, वैसे तो कई बातें पूछी लेकिन मुख्य बात मैं उनके एक बात का जवाब देना चाहूँगा यहाँ। उन्होंने पूछा कि गुरु जी, ब्लैक मैजिक के लिए क्या करें? आमतौर पर हम जिसको कह देते हैं किसी की नज़र लग गई, या किसी ने कुछ कर दिया, कुछ तंत्र का प्रभाव है या कुछ और समस्या है। देखिए, नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी हमेशा ही हमारे आसपास है। कभी कभी क्या होता है, हम उस आकर्षण के साथ नेगेटिव एनर्जी को पकड़ लेते हैं, जिस आकर्षण से पॉजिटिव एनर्जी को नहीं पकड़ पाते। तो अगर कोई नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव में आप हैं, तो उसे आप कैसे दूर कर सकते हैं, उसके कुछ उपाय बता देता हूँ। हालांकि ये तंत्र का भाग है, लेकिन फिर भी आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी इससे। आपने कई बार सुना होगा कि अनेक लोग गुरुओं के पास जाते हैं और
अनेक उपाय लेकर आते हैं। कोई कहता है कि लाल रंग के फूल इस तरह से पानी में बहा देना, कोई कहता है कि पानी को चौराहे पे बहा देना, या काली मिर्च को इस तरह से प्रयोग करना। तो अनेक लोगों ने यह भी प्रश्न पूछा है समय समय पर कि हर गुरु अलग अलग उपाय क्यों बताते हैं, एक ही उपाय क्यों नहीं बताते, कुछ फलों के साथ बताते हैं, कुछ सिंदूर के साथ बताते हैं, नींबू के साथ बताते हैं, अनेक चीज़ों का प्रयोग होता है उसमें। देखिए, ये तो एक सिंबॉलिक है, सिर्फ संकेत मात्र है कि आपको गुरु ने क्या करने के लिए बोला। तंत्र की शक्ति को समझने का प्रयास करें, तंत्र कैसे काम करता है। जो गुरु, जो साधक साधना में है, उसके मुख से जो भी निकल गया, कुछ भी निकल गया, वो ही आपके लिए उपाय बन जाएगा। उन्होंने यूं गंगा जल उठा के आपको दे दिया, बोले ला पी लो इसको, इससे ही आपका इलाज हो जाएगा, वही इलाज है आपका। गुरु के मुख से निकला हुआ शब्द इलाज है। गुरु ने क्या कहा करने के लिए, वो गुण है। आपने कितनी श्रद्धा से उसके गुरु के शब्दों का पालन किया, वो ज़्यादा मुख्य है। और दूसरा, मेरे जीवन में तो परमात्मा की कृपा और गुरु की कृपा से तो अनेक चमत्कार हुए हैं, वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। लेकिन एक बात बता देता हूं कि एक मंत्र के रूप में मैं इस दोहे का जाप करता हूं, सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जब आपने यह मान ही लिया कि तुम रक्षक हो, हमने काहे को डरना, अब जब अपने आप को सरेंडर, आत्मसमर्पण अपना कर ही दिया, तो फिर काहे को डरना। या तो अभी समर्पण किया नहीं, अगर समर्पण कर दिया तो डर नहीं। कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो, कोई भी किसने कुछ भी कर रखा हो, वो सब कट जाएगा, सब धुल जाएगा। तुम रक्षक काहू को, जब बजरंग बली का आप नाम लेंगे, जब ओम नमः शिवाय का आप जाप करेंगे, एक चींटी में भी हजार हाथियों के बराबर बल आ जाता है इस मंत्र के जाप से। तो आप सोचें कि आपके आसपास जो भी नेगेटिविटी है, वो कैसे दूर नहीं हो जाएगी, सिर्फ आपकी मन की शक्ति और मंत्र के जाप से ही। मैं पहले भी आपको मन की शक्ति के प्रयोगों के बारे में बता चुका हूँ, आगे कुछ और बताना बाकी है, समय मिलेगा तो आगे और विस्तार से बताऊँगा। तो इस तरह से आप नेगेटिव एनर्जी को दूर हटाकर आप अपनी साधना को आगे बढ़ा सकते हैं। एक और प्रश्न है, व्हेन यू नीड टू डू प्रॉपर चॉइसेस और बी क्रिएटिव दैट इफेक्ट्स योर बिजनेस एंड वेल्थ, विच वन यू शुड बी यूज, चंद्र और नाड़ी और सूर्य नाड़ी। इन्होंने पूछा है कि जब आपको जीवन में कुछ क्रियात्मक प्रयोग करने होते हैं, या बिजनेस के लिए या धन संपदा के लिए, आपको किस नाड़ी की आवश्यकता है, चंद्र या सूर्य की। तो मैं पहले भी हालांकि अनेक अलग रूपों में इसका जवाब दे चुका हूं, लेकिन मुख्य रूप से इसका जवाब चंद्र स्वर है। क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा वाइड है, थोड़ा सा बड़ा है ये, इसलिए मैंने बोला कि मुख्य रूप से। कहीं कहीं सूर्य का भी प्रयोग है इसमें, लेकिन मुख्य रूप से चंद्र का प्रयोग है। जैसे कि आप अपने धन के लिए और बिजनेस के लिए जब काम करें, तो वहाँ पे कहीं सूर्य का भी समावेश है, सूर्य का भी थोड़ा इंटरफेयर है वहाँ पे। और जब आपने क्रिएटिव बनना है, तो वहाँ चंद्र की जो सत्ता जो है, काम शक्ति काम करती है। तो मिला जुला जवाब है, दोनों ही शायद मुझे लगता है कि इसमें प्रभावित हो सकते हैं, कि डिपेंड करता है कि आप स्पेसिफिकली क्या करना चाह रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। हाँ, गीता नेगी जी हैं, ये तो बहुत ही हमारे साथ जुड़ी हैं काफ़ी समय से और साधना में रत हैं, तो इनकी भी कमेंट आती रहती है टाइम टाइम पे। और हमारे एक मित्र ने लिखा है कि अगर सुषुम्ना में पैसे लगाएं तो परिणाम क्या होगा। मेरे कई जो शिष्य हैं वो बोलते हैं, गुरुजी आप भी क्या लॉटरी और जुआ के बारे में बताते रहते हो। देखो, जाल है जाल, जो कांटे में नहीं फंसता ना, उसको जाल में फंसाना पड़ता है। अब इतना बड़ा समुद्र है, एक मछली कैसे पकड़ोगे आप।
जाल फेंक दोगे, मछली पकड़ लोगे, है ना, उसको सुंदर से जंगली समुंदर में से निकाल के एक सुंदर से एक्वेरियम में डाल दोगे, खाने पीने का ध्यान रखोगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको साधना की ओर आकर्षित करने के लिए जाल फेंकना पड़ता है, थोड़े थोड़े छोटे छोटे लाभ की बात करनी पड़ती है। जाल में फंसे तो सही, एक बार फंस जाएंगे तो उनको निकाल के एक्वेरियम में डाल ही देंगे, उनको साधना की दुनिया में लेके आ जाएंगे जहाँ सुंदर एक दुनिया है बिल्कुल ही अलग। तो इसको इतना ही समझे, इतनी ही वैल्यू है इसकी। और सुषुम्ना में वैसे लगाने से पैसे तो विनाश होगा, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सुषुम्ना के प्रभाव में लिया गया कोई भी निर्णय आपके लिए डिजास्टर होगा। तो सुषुम्ना के प्रभाव में कोई भी निर्णय ना लें, केवल उस समय साधना करें, प्रभु का ध्यान करें। संध्याकाल, सुषुम्ना अर्थात संध्याकाल, जब दिन और रात मिल रहे हैं तब आपका आँखें बंद करने का समय है, दान पुण्य करने का समय है, पूर्वजों को धन्यवाद और परमात्मा का स्मरण करने का समय है। तो इस प्रकार से आप सुषुम्ना स्वर का प्रयोग का अपने जीवन में लाभ उठा सकते हैं। एक मित्र ने प्रश्न किया है, हालांकि ये यूज़र नेम है सिर्फ, वो बोल रहे हैं सब बेकार है। हाँ, ये बात तो सच है, सब बेकार ही है, काम का तो कुछ भी नहीं है। जो राम का नहीं वो काम का नहीं। हाँ, कपिल कुमार हैं ये, मुझे लगता है कि प्रश्न थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये। इन्होंने पूछा है कि क्या स्वर विज्ञान से कर्ज मुक्ति भी संभव है। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है ये। स्वर विज्ञान से ऐसे तो कर्ज मुक्ति संभव नहीं कि मैं आप बोलो कि स्वर विज्ञान आप का अभ्यास करने लगे और आप को कल गढ़ा हुआ खजाना मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा शायद। लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट काम होगा अगर आप सूर्य स्वर की साधना करते हैं, कि आप का एटीट्यूड पॉजिटिव बनेगा। कभी एक आदमी, जैसे हमारे भारत देश में अनेक बार ऐसे होता है कि महाराष्ट्र और उड़ीसा में फसल खराब होती है तो किसान आत्महत्या कर लेते हैं। वो फसल ख़राब होने के कारण आत्महत्या नहीं की है, वो जो बेइज्जती, जो जिल्लत है ना, जो कर्जदार करता है उससे बचने के लिए आत्महत्या करते हैं वो। तो किसी के लिए तो 2000 रुपये का कर्जा भी इतना बड़ा है कि जान देने की नौबत आ जाए, किसी के ऊपर 2 करोड़ का भी कर्जा है तो वो भी कोई चिंता नहीं, निश्चिंत होकर घूम रहे हैं। तो इस प्रकार समझें कि जब आप सूर्य स्वर की साधना करेंगे तो आपको शक्ति मिलेगी, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, और चाहे कितना भी कर्ज हो लेकिन आपके अंदर शक्ति, सहन शक्ति होगी उसके, उस मुश्किल से बाहर निकलने की, उस मुश्किल समय को क्रॉस करके उसे विजय प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए सूर्य स्वर आपका बहुत जो है लाभ देने वाला होगा इसमें। और एक और भी प्रश्न है कि हम जैसे अननेचुरल तरीके से स्वर को बदलते हैं, जैसे अभी मेरा चंद्र स्वर जागृत है और मैंने सूर्य को जागृत करना है, तो मैं अंगूठा लगाकर या लेटकर ज़बरदस्ती कर लूँ उसको, क्या वो ठीक रहेगा क्या? देखिए, बिगिनिंग स्टेज है ना जो, उसमें तो चल जाएगा, उसमें तो ठीक रहेगा। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, हम लाफिंग योगा करते हैं, लाफ्टर योगा करते हैं, सब लोग इकट्ठे होकर हा 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 करके हंसते हैं, तो कनेक लोग बोलते हैं ऐसे कि वो नेचुरल हंसी तो नहीं है, फिर उसका लाभ थोड़ी होगा। नेचुरल हंसी जो अंदर से आए ना उसका लाभ होता है। तो मैंने उनको बोला कि देखो, शुरुआत में तो वो नेचुरल हंसी नहीं होती है, ये बात तो सच है, लेकिन जब 50 लोग 100 लोग इकट्ठे होकर हंसते हैं ना तो वो नेचुरल हो जाती है। कभी कभी बिना किसी कारण के भी तो हंसी आनी चाहिए ना। कभी कैसे कह देते हैं, क्या कोई पागल है क्या, बिना कारण के हंस रहा है? लेकिन वहाँ पे सबका हंसना ही कारण बन जाता है आपका, उस साइकोलॉजिकल साइंस को आप समझें। तो ऐसे ही जब आपके एक और आपको विधि बता देता हूँ कि जब आप एक स्वर को बंद करके लगातार इसका अभ्यास करते जाएं,
इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल लगभग 5 मिनट सिर्फ एक स्वर से ही, कोई भी सूर्य या चंद्र, फिर लेट जाए स्वर को बदल लें, फिर जो स्वर बंद है थोड़ा उसको और बंद करके मेक श्योर करें कि थोड़ी सी भी हवा ना निकलने पाए, एक ही स्वर से लंबी श्वास खींचे और छोड़े 5 मिनट दोबारा, फिर थोड़ा सा आराम करें 2 या 3 मिनट का रेस्ट करें, फिर दोबारा से स्वर एक बंद करके पूरी तरह से, फिर एक ही स्वर से लंबी श्वास खींचे और छोड़ें। इस तरह से लगभग 20 से 30 मिनट रोज़ अभ्यास करने से आपके दोनों स्वर जो हैं शक्तिशाली होते हैं। कई लोग प्रश्न ऐसे किए हैं कि स्वर को वश में कैसे करें। देखिए, किसी भी व्यक्ति वस्तु या इवन जानवर को भी आप अगर वश में करना चाहते हैं ना, तो एक चाहिए आपको कंडीशन, आपके पास शक्ति ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। आपके पास शक्ति ज़्यादा होगी तो आप किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, 4-5 आदमियों को भी, जानवर को भी, किसी भी चीज़ को। स्वर के साथ भी ऐसा ही समझें, जब आपके पास शक्ति होगी तो आप स्वर को भी कंट्रोल कर पाएंगे। और शक्ति वो कैसी आएगी? शक्ति आएगी आपके अभ्यास से। जब आप अभ्यास करेंगे, उसमें लीन हो जाएंगे, तो स्वर आपकी बात सुनने लगेंगे कि जो आप चाहते हैं स्वर उसके अनुसार कार्य करेंगे। उस तरह से आप स्वरों को अपने वश में कर पाएंगे। आशा करता हूँ आप साधना में अपने आप को उतारेंगे और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से भगवान शंकर की साधना में अपने आप को उन्नत करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।